Hello guys, my name is Aswan and you are watching High Tech. Let's get started. Hello, namaste. आप सब लोग देख रहे हैं मेरा चैनल High Tech. तो आज मैं आप सब लोग को बताने वाला हूँ कि कैसे आप सब लोग Paytm Cash का यूज़ करके आप सब लोग Flipkart या Amazon से कोई भी प्रोडक्ट कैसे मंगा सकते हैं. तो इस वीडियो में मैं आप सब लोग को ये बताऊँगा. तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो गाइस, सबसे पहले आप सब लोग अपना प्ले स्टोर खोल लीजिए. यहाँ पर सर्च करिए Comparify. तो ये आप सब लोग को यहाँ पे एक ऑप्शन है, यहाँ पे देख लीजिए. आप सब लोग को दिख जाएगा बाय गिफ्ट वाउचर रिचार्ज यूजिंग गर्ल वॉलेट. तो यहाँ पे ये आप सब लोग को मिल जाएगा. इसको आप सब लोग डाउनलोड कर लीजिए. डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन कर लीजिएगा. ये देख सकते हैं यहाँ पे ओपन हो रहा है. उसके बाद यहाँ पे आप सब लोग को ये थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, बाय गिफ्ट वाउचर पे क्लिक कर लेना है. उसके बाद यहाँ पे आप सब लोग को अपना मोबाइल नंबर डाल देना है. तो यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर डाल लेता हूँ. उसके बाद उसके जस्ट नीचे आप ऑपरेटर, मतलब कि किस पे आप सब लोग पैसा चाहते हैं. तो यहाँ पे मैं फ्लिपकार्ट पे क्लिक कर लेता हूँ. यहाँ पे मैं फ्लिपकार्ट पे, ये रहा फ्लिपकार्ट, जैसे मैं उस पर क्लिक कर लिया. उसके बाद आप सब लोग यहाँ पे वैल्यू सिलेक्ट कर लीजिए. अमेजोन की सबसे मिनिमम वैल्यू है 50 और फ्लिपकार्ट की है 100 रुपीज़. तो यहाँ पर मैं 100 रुपीज़ यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ. उसके बाद यहाँ पर अपना नाम आप सब लोग डाल सकते हैं, जो भी आप सब लोग को नाम डालना हो. उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी ध्यान दीजिएगा, आप सब लोग को ईमेल आईडी एकदम सही करनी है. तो यहाँ पे मैं अपनी ईमेल आईडी डाल दिया हूँ. उसके बाद यहाँ पे मैं रिचार्ज पर क्लिक कर लेता हूँ. ध्यान दीजिएगा, आप सब लोग को यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम फेस आप सब लोग को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ जो है बहुत लोडिंग लेता है. तो मैं आप सब लोग को बता देता हूँ कि इसको कैसे करना है, थोड़ा वेट करिए. उसके बाद यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा. उसके बाद यहाँ पे आप सब लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है जिससे आप सब लोग पे कर सकते हैं. बहुत सारे वॉलेट आप सब लोग को देखने को मिल जाएंगे. डेबिट क्रेडिट कार्ड भी देखने को मिल जाएगा. यहाँ पे देखिए पेटीएम का यूज ये ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक कर लीजिए. क्लिक करने के बाद यहाँ पे पेटीएम वॉलेट पे टिक कर लीजिए. उसके बाद अपना जो भी नंबर है उस पर क्लिक कर लीजिए. उसके बाद ओटीपी वाला आ जाएगा. थोड़ी देर बाद यहाँ पे आप सब लोग को देख सकते हैं कि यहाँ लिख जाएगा पे 100 रुपीज़. उस पर आप सब लोग क्लिक कर लीजिएगा. उसके बाद ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो यहाँ पे भी आया था ये आप सब लोग को थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 10 से 15 मिनट आप सब लोग को वेट करना पड़ेगा. अपना यहाँ पे जो पेमेंट है उसको सक्सेसफुली आप सब लोग कर लीजिएगा. उसके बाद क्या करिएगा कि यहाँ पे आप सब लोग बैक कर लीजिएगा. आप सब लोग को बताएगा कि यहाँ पे आप सब लोग का जो पेमेंट है ट्रांजेक्शन वो फेल हो चुका है और आप सभी लोग के अकाउंट से पैसा भी कट जाएगा, मैं बता दूं. उसके बाद आप सब लोग चिंता मत करिए, यहाँ पे आप सब लोग को देख सकते हैं रिचार्ज पॉइंट मिल जाता है. रिचार्ज पॉइंट पे जस्ट क्लिक कर लीजिएगा. तो जितना आप सब लोग को यहाँ पे पैसा, आप सब लोग को जितना भी पैसा लगाए होंगे वहाँ से 100 रुपीज़, तो 100 रुपीज़ शो करेगा. यहाँ पर आप सब लोग 100 रुपीज़ सेलेक्ट करके ऐड कर लीजिएगा. ऐड करने के बाद ये आप सब लोग को तुरंत ही कॉम्पेरीफाई वॉलेट में चेंज हो जाएगा. उसके बाद दोबारा से आप सब लोग यहीं पे आइएगा बैक करके, मैं बता रहा हूँ कॉम्पेरीफाई फिर से ओपन करिएगा. गिफ्ट वाउचर अपना जो भी मोबाइल नंबर डालना हो डाल लीजिएगा. उसके बाद यहाँ पे फ्लिपकार्ट चूज कर लीजिएगा. उसके बाद रिसिप्ट नेम यहाँ पे आप सब लोग अपने हिसाब से कर लीजिएगा जो भी करना हो. उसके बाद यहाँ पे अपना ईमेल आईडी, ईमेल आईडी ध्यान से आप सब लोग एकदम सही फिल करिएगा. उसके बाद यहाँ पे रिचार्ज पर क्लिक कर लीजिए. उसके बाद आप सब लोग को यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे आप सब लोग को शो करने लगेगा कॉम्पेरीफाई अकाउंट का. उस पर आप सब लोग क्लिक करके उसको तुरंत ही सक्सेसफुली रिचार्ज कर लीजिएगा. तो जैसे यहाँ पे आप सब लोग को एक गिफ्ट कार्ड नाम का एक यहाँ पे आप सब लोग को ईमेल आएगा, उस पर आप सब लोग क्लिक कर लीजिएगा. उसके बाद यहाँ पे देखते हैं बेस्ट फीचर योर फ्लिपकार्ट गिफ्ट वाउचर इज ये comparify.com. उस कॉन्ग्रेचुलेसन यू गॉट अ गिफ्ट, ऐसे ऐसे करके आ जाएगा. उसके बाद गिफ्ट कार्ड आईडी और गिफ्ट कार्ड पिन, ये दोनों चीज़ आप सभी लोग अपने, ये पहले आप सब लोग इसको कॉपी कर लीजिए. कॉपी करने के बाद आप सब लोग फ्लिपकार्ट को ओपन कर लीजिए. फ्लिपकार्ट को ओपन करने के बाद यहाँ पे 3 डॉट जो है यहाँ पे आप सब लोग को मिल जाता है, उस पर आप सब लोग क्लिक कर लीजिएगा. डॉट पे आप सब लोग क्लिक करने के बाद यहाँ पे माय अकाउंट पे क्लिक कर लीजिएगा.
उसके बाद यहाँ पे आप सब लोग को माई अकाउंट पे क्लिक करके यहाँ पे कुछ आप सब लोग को इस टाइप का इंटरफेस मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे माई वॉलेट एंड कार्ड पे क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे आप सब लोग ऐड गिफ्ट कार्ड पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो आप सब लोग का गिफ्ट कार्ड नंबर है उस पर यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जो आप सब लोग गिफ्ट कार्ड पिन है वहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे गिफ्ट कार्ड पिन आप सब लोग कर लीजिएगा। उसके बाद अप्लाई क्लिक कर लीजिएगा। अप्लाई क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप सब लोग का ये ऐड हो जाएगा तुरंत। यहाँ पे आप सब लोग को मैं ट्रांजिशन यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। तो ये देखिए गिफ्ट कार्ड एडेड 539 का, यहाँ पे 170 का, ये देखो 200 का, ये तीन यहाँ देखिए मैं तीनों इसी से ही किया हूँ। तो ये आप सब लोग को प्रूफ भी दिखा दिया, ऐसे ही आप सब लोग इसको कर सकते हैं।